सुविधा होने पर भी आदमी सुखी नहीं होता, एक आदमी ऐसा है कि सुविधा पूरी न मिलने पर भी सुखी बन जाता है, बड़ा अंतर है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है तो उसकी सारी जीवन की शैली, जीवन का चिंतन, मानसिक सब बदल जाता है। तो दुख बाहर नहीं है, कोई दुख दे नहीं सकता। आदमी सोचता है उसने मेरा नुकसान कर दिया, मुझे क्षति पहुंचा दी, ये कर दिया, वह कर दिया। तो एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, कि सुख दुख का देने वाला कोई नहीं है, दूसरा देता है, ये तुम्हारा चिंतन सही नहीं है। हाँ, इतना है तुम किसी के सुख में निमित्त बन सकते हो, दुख में निमित्त बन सकते हो। सुख में निमित्त बनो पर अगला सुख पाना ही नहीं चाहता, उसमें क्षमता नहीं है, कितना प्रयत्न करो वह सुखी नहीं बनेगा। और तुम किसी को दुख देना चाहो और वह दुखी बनना ही नहीं चाहता तो तुम उसे कभी दुखी नहीं बना सकते। दुनिया के बड़े बड़े अवतार, चाहे राम से लेकर राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, शंकर आदि आदि जितने हुए हैं, जनता ने उनको भी सताया है, उन पर प्रहार किया है, गालियां भी दी है, पर दुखी कभी नहीं बने, बने ही नहीं दुखी। वे दुखी बनना जानते ही नहीं, निमित्त तो है दुखी बनने का, पर उन्होंने भीतर में जो दुख का उपादान था उसे समाप्त कर दिया, फिर दुखी नहीं बने। चाहे तो चंद कौशिक सांप काटे, चाहे अंगुली माल डाकू डराने को आए, धमकाने को आए, दुखी नहीं, दुखी नहीं, उनकी शक्ति दूसरी हो जाती है। श्री कृष्ण अपने साथी बहुत लोगों के साथ द्वारका में प्रवेश कर रहे थे, और प्राचीन काल में दुर्ग होते थे, दुर्ग के बाहर निकल खाइयां, बड़ी बड़ी खाइयां होती थी, तो वे खाई थी, प्रवेश कर रहे थे, तो खाई में तो ये गंदगी, पानी, कीचड़ पड़ा रहता है, एक मरा हुआ मुर्दा कुत्ता भी पड़ा था, बदबू आ रही थी। जैसे ही पास गए सब ने रुमाल निकाले, नाक को बंद कर लिया, श्री कृष्ण ने नहीं किया, सब बोले कितनी बदबू है, जल्दी चलो। श्री कृष्ण बोले देखते नहीं हो, देखो इस कुत्ते के दांत कितने बढ़िया है। अब एक और तो बदबू की ओर ध्यान गया, दूसरी ओर कुत्ते के दांतों की ओर, के दांत चमक रहे हैं, दांत कितने बढ़िया, अच्छा है। तो हम भीतर की शक्तियों को समझने का प्रयत्न करें।